आइए आज की क्लास में इट का प्रयोग देखते हैं। इट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है आपको ये देखना है। ध्यान से देखिए, किताब में दिया गया है, आप इसको पढ़ के समझेंगे, फिर एक्सरसाइज समझेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल सहित जो है आपको पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर में इट का प्रयोग दो स्थानों पर होता है। कितने स्थानों पर? दो स्थानों पर। पहला है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या पक्षी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट आता है। तो इसमें इट आपको पढ़ना है। इट आता है मतलब क्या, वो किसी व्यक्ति, वस्तु या जानवर या पक्षी के बदले आएगा तो उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, ऐसा इट को। ठीक, तब उस इट का अर्थ होता है यह होता है, वह होता है, ये सब होता है। और इट एक जगह होता है न्यूट्रल इट के रूप में। न्यूट्रल इट के, इट न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब होता है शून्य, जीरो। जैसे गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हो तो चलती नहीं है, फिर उसके बाद चालू करके गियर लगाते हैं आगे बढ़ते हैं। तो न्यूट्रल मतलब एकदम जीरो, मतलब शून्य, शून्य के रूप में। शून्य के रूप में मतलब ये है कि जैसे इट का अर्थ है यह होता है, होगा नहीं, वहाँ इट माने यह होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, ना यह होगा, ना वह होगा, ना इसे होगा। ठीक, इट का प्रयोग कुछ नहीं होगा उसका अर्थ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं 4 बजे हैं तो इसकी अंग्रेजी इट इज़ 4 o'clock, इट इज़ 8 o'clock, बारिश हो रही, इट इज़ रेनी, तो इट का अर्थ यहाँ हुआ कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा यूज जो है न्यूट्रल यूज़ कहा जाता है। ठीक, तो दो तरीके से इट का प्रयोग होता है। अब देखते हैं कैसे कैसे होता है। अब देखिए, न्यूट्रल के रूप में बताया गया, फिर आगे पर्सनल प्रोनाउन में इट थर्ड पर्सन के अंतर्गत नॉमिनेटिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस में आता है। नॉमिनेटिव केस माने कर्ता कारक, यानी जब कर्ता के स्थान पे आता है इट, उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो दो जगहों पर होता है, सब्जेक्ट की जगह हो सकता है इट, ऑब्जेक्ट की जगह हो सकता है। अब देखिए आगे नीचे दिया गया इट का अर्थ। इट का अर्थ यह भी होता है, वह भी होता है, इसने होता है, उसने होता है। कब होता है? नॉमिनेटिव केस में। ये बताया गया नॉमिनेटिव केस में इट का अर्थ यह हो सकता है, वह हो सकता है, उसने हो सकता है और इसने हो सकता है। ये ना सोचो वह का अंग्रेजी ही या सी होता है, दैट ही होता है, इट भी होता है। क्योंकि देखिए, हिंदी हिंदुस्तानियों की भाषा, हम लोगों की भाषा है, अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है, तो उनको ये पता नहीं है कि यह आएगा कि वह आएगा। उनको केवल इतना पता है कहाँ इट लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो वो जहाँ इट लगाते हैं तो हम अपनी सुविधा के लिए वह कहेंगे। ठीक, जैसे हम कहते हैं मैंने एक हंस देखा, वह सुंदर था या वह घायल था। तो मैं आई साय स्वान, मैंने एक हंस देखा, इट वाज वुंडेड या वह घायल था अंग्रेजी, या इट वाज फेयर, वह सुंदर था। तो वह अंग्रेजी वहाँ पक्षी के लिए इट लगाते हैं। ठीक, तो इसलिए हम लगा दें। इसी तरह से जो है होता है हमारे ऊपर, हम यह घायल था कहें कि यह सुंदर है, यह सुंदर था, हम वह कहेंगे। क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप दूर है तो इट ही लगाओगे। अगर पास होता वही हंस तब कहते मतलब यह सुंदर है, दिस इज ब्यूटीफुल कहते हैं। नज़दीक के लिए दिस लगता है, अगर दूर है तो उसके लिए प्रोनाउन इट लगेगा। क्लियर, चलिए देखते हैं आगे। तो ये मतलब इस चीज़ को आप समझिए और प्रैक्टिस से सब आ जाएगा। वाक्य करना आप जान गए, वाक्य की प्रैक्टिस के लिए रूल नहीं याद है तब भी आप कर ले जाओगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। नियम भूल गया तो प्रैक्टिस उसी के आधार पर दूसरा, अरे हंस था तो दूसरा पक्षी बता दो, तोता था, ठीक है, गौरैया थी, कुछ भी बता सकते हो। दूसरा देखिए, इट का अर्थ सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो यह हुआ, इसने, उसने होगा, अभी आएगा उदाहरण उसमें बताएंगे कैसे होगा। इट का अर्थ इसे, उसे, इसको, उसको, यह भी होता है, इसे, उसे, इसको, उसको भी होता है। कब होता है? जब ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। एक और आपको ट्रिक बता दे रहे हैं, कैसे जानोगे आप सब्जेक्ट की जगह इस, क्या, इसने, उसने जब आएगा तो इट लगेगा तो वो सब्जेक्ट की जगह रहेगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में ने शब्द जुड़ा रहता है, और जब इसको और उसको आएगा तो ऑब्जेक्ट की जगह होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट में को शब्द आता है। जैसे आप इसको पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को, जब रूप याद करते हैं ना, करण से, ठीक है, इस तरह से मतलब होता है कि मतलब करता रहेगा तो उसमें ने, उसने, मैंने, ये सब क्या करता है, ठीक है, इसने, उसने, ये सब करता है। और को जिसमें रहता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, उसको, मुझको, तुमको, ठीक है, जैसे मैं तुमको पढ़ाता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ, वह मुझको बुलाता है, तो को आ रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। चलिए, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कर्ता में ने लगा रहता है तो हमें तो कर्ता ही रहेगा, वो को लगा रहेगा तो कर्म, कर्म को, यानी कर्म में को लगा रहता है। ठीक, लगा भी रह सकता है, नहीं भी लगा रह सकता है, लेकिन मतलब अक्सर आप उसमें लगा सकते हो। जैसे वह मुझे पढ़ाता है, को हटा दिए हम, इसको असभित कहते हैं, वह मुझको पढ़ाता है,
वो तो हमारे ऊपर, हिंदी हमारी भाषा है ना, हम चाहे को लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हमारा रूल कह रहा कि को लगता है कर्म में, नहीं भी लग रहा तो हम लगा के बोल सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। लेकिन अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा, तो वो जैसा रूल बनाए हमको उसको उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा हिंदी के माध्यम से हमेशा नहीं चला जाता है। अगर आप हिंदी के हिसाब से समझना चाहते हो तो अपने हिंदी के हिसाब से उसमें शब्द लगा के चेक कर लो। चलिए आगे देखते हैं। आगे बताइए, या ध्यान रखना चाहिए कि इट और दिस ये दोनों भिन्न है, ये थोड़ा डिफरेंस बताएं। इट और दिस दोनों अलग हैं और इनके प्रयोग भिन्न भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं। दिस का प्रयोग किया जाना है वहाँ हम इट का प्रयोग नहीं कर सकते, जहाँ दिस का प्रयोग करना चाहिए वहाँ हो सकता है, वहाँ इट नहीं करते हैं। इसी प्रकार जहाँ इट का प्रयोग किया जाना है वहाँ हम दिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हिंदी अर्थ की एक समानता कारण प्राय ऐसी भूल हो जाती है, यहाँ भाव की भिन्नता है। लेखक कह रहा है कि हिंदी में दिस माने भी या इट माने भी या होता है, ठीक है, तो लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना चाहिए, उसको समझ के डिफरेंस समझना चाहिए। देखते हैं डिफरेंस क्या। आगे है इट का और दिस का प्रयोग में डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। दिस डेटा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, क्यों क्या अंतर है उसको जान लो। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव माने होता है संकेतवाचक, प्रोनाउन माने सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? एक ऐसा सर्वनाम जो किसी नाउन की ओर क्या करता है, इशारा करता है, संकेत करता है, संकेत या इशारा, ठीक। तो जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कहते हैं दिस इज माई बुक, या मेरी किताब है, तो दिस का प्रयोग किताब की तरफ इशारा करने के लिए हुआ ना, तो इस तरह से नज़दीक की वस्तु की तरफ इशारा करने के लिए दिस लगेगा। यहाँ इट लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। दिस ही जान लो, बाकी जगहों पर इट लगा दो, ठीक, या तो इट का करेक्ट यूज जानो तब दिस लगाओ। तो दोनों में से एक तो कम से कम क्लियर होना चाहिए, दोनों क्लियर हो तो बेस्ट हो, ठीक। इसलिए आप इशारा करना नज़दीक की वस्तु के लिए तो आप दिस लगाइएगा, अदरवाइज मत लगाइएगा, ठीक। यहाँ इट मत लगाइएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पास रखी हुई वस्तु की ओर संकेत करता है, या मतलब दिस पास रखी बस की ओर संकेत करता, कहने वाला और बात सुनने वाला दोनों उस वस्तु को की ओर देखें, ऐसा इसके भाव में नहीं होता, परंतु वाक्य सामने ही वस्तु सामने उपस्थित हो ना, तो उसकी ओर संकेत नहीं किया जा रहा सकता है। वस्तु सामने उपस्थित ही ना हो तो उसकी ओर संकेत नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में यह शब्द के लिए इट का प्रयोग करते हैं। बता क्या रहे हैं, बस तो नज़दीक हो उसकी ओर संकेत कर रहा है, जैसे हम कह दें कि किसी को बता रहे हैं, जैसे आपको बता रहे हैं कि दिस इज माय मोबाइल, तो मोबाइल मेरे सामने है, मैं भी देख रहा हूँ, तुम भी देख रहे हो, तो यहाँ क्या लगेगा, दिस लगेगा, लेकिन मेरे सामने नहीं है ना तो आपके सामने है, तो दूर है अगर कोई चीज़, ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई पक्षी दूर है, वहाँ पर बैठी है, कोई कौवा ही बैठा है या पक्षी बैठी है, गौरैया है, हम कह दें कि वह एक मतलब कि पक्षी है, या मैंने एक पक्षी देखा, दूर है, अगर दूर है लेकिन फिर भी आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, तब भी दैट लग जाएगा, क्योंकि दूर के लिए दैट लगता है, नज़दीक के लिए दिस। एक बच्चन दैट इज ए कैट, दैट इज ए बर्ड, दैट इज ए क्रो कह देंगे वह एक, ठीक है, पक्षी। लेकिन अगर दूर है दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना तो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है ना तो आपके सामने, केवल हम बात करें उसके बारे में बात करें तो इट लगेगा, क्योंकि इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ना, आई वी यू दे ही सी, ही सी इट और दे, ये तीनों थर्ड पर्सन है, पर्सनल प्रोनाउन में तीन पर्सन होते हैं, आई वी फर्स्ट पर्सन कहने वाला अपने लिए यूज करता है, यू सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए, और ही सी इट दे थर्ड पर्सन यानी न बात करने वाला अपने लिए, न सुनने वाले के लिए, किसी तीसरे के लिए, तीसरे के लिए मतलब जो उसके पास ना हो उसके लिए हम करते हैं। तो इसी तरह से इट, जैसे मैंने कहा कि मैंने जो है एक पक्षी देखा, वह घायल था, देखा वह घायल था, बता रहा हूँ ना कि सामने है, तो इट लगेगा, ठीक। मैं एक सांप देखा, वह मरा था, ऐसा स्नेक इट वॉज किल्ड, ठीक, वह मार दिया गया था या वह मरा था, इट वॉज किल्ड, ठीक। तो इस तरह से वह सांप हमारे सामने नहीं है ना, था आपके सामने, कहीं देखा रास्ते में, देखा मैं रास्ते में एक सांप देखा सड़क में, तो ऐसी कंडीशन में इट लगेगा। आई होप समझ में आ गया होगा इट और दिस का डिफरेंस ना, बहुत ज़रूरी है जानना। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार इट और दैट में भी भिन्नता है। दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी कि वह दूर की तरफ संकेत करने के लिए, एक वस्तु के लिए, दैट दूर की स्थिति एक वस्तु की ओर संकेत करने में होता है। हिंदी में वह शब्द बोला जा रहा है किंतु वह सामने नहीं है, उसकी ओर संकेत नहीं किया जा सकता, तो वहाँ इट लगेगा। हिंदी में वह कहेंगे सामने है तो हम कहते हैं दैट इज ए कैट, दैट इज ए स्नेक, वह एक सांप है, दूर दिखाई पड़, तो दैट लगा, लेकिन सामने नहीं है तो हम दूसरी जगह रहेगा, तो हम कहेंगे इट। क्लियर।
मैं एक सांप देखा वो हमारा था, तो आपके सामने नहीं है तो वो हमारा था, तो वह कहना इट लगेगा, इट वॉज के। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड में ही सी का प्रयोग होता है। पर्सनल प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में ही, थर्ड पर्सन मतलब ही सी, थर्ड ही सी का प्रयोग होता है, परंतु इट का प्रयोग इससे भिन्न है। ही पुरुषवाचक का मतलब कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन में थर्ड पर्सन में ही सी माने भी तो वह होता है, इट माने भी वह होता है, लेकिन अलग क्या है कि ही जो है पुरुषवाचक यानी पुरुष के लिए लगता है, सी स्त्रीवाचक स्त्री के लिए लगता है, जबकि इट का प्रयोग कहाँ होता है उसको भी जानना जरूरी है। निर्जीव वस्तुओं और पक्षियों के लिए होता है, निर्जीव वस्तु और पक्षियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए होता है। निर्जीव कोई चीज़ रहेगी और पशु पक्षी रहेगा तो उसके लिए हम इट लगाएंगे। अब इट का प्रयोग हम छोटे शिशुओं के संदर्भ में भी करते हैं। छोटे शिशु मतलब जो कोई बच्चा है छोटा सा, उसके लिए भी हम इट का प्रयोग करते हैं। वहाँ ही सी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे विशेष प्रयोग हैं जहाँ इट का प्रयोग एक पूर्ण वयस्क व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है। नीचे उदाहरणों को से स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ये बता रहा है कि इट का प्रयोग हम बच्चे के लिए किए तो शिशु के लिए करते हैं। कब करते हैं मैं पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूँ इसमें। जैसे अगर किसी बच्चे का जेंडर ना क्लियर हो, जेंडर मतलब वो स्त्रीलिंग है कि जेंडर मिसलिंग, स्त्रीलिंग है कि पुलिंग, यानी कि वो लड़का है या लड़की, कोई लड़का हम रास्ते में कहीं देख लिए कुछ भी देख, हम ये कन्फर्म नहीं है कि वो लड़की है एक लड़का, तो हम उसके लिए इट लगा देते हैं इसलिए। ठीक भाई, कन्फर्म होता तो ही लगाते, नहीं तो सी लगाते, लड़की एक लड़का नहीं पता इसलिए इट लग जाता है। क्लियर समझिए कि नहीं? जैसे कोई बात अगर कहना है कि जैसे किसी औरत को बच्चा होने वाला, तो मतलब हम कहते हैं कि सी इज़ प्रेगनेंट, वह मतलब आशा कर रहे हैं कि वह जो है एक क्या होगा, बेबी होगा, वह होगा, तो वह होगा तो केवल आशा कर रहे हैं, कन्फर्म तो है नहीं, ठीक है, जांच हुई नहीं है भ्रूण की, तो हम वहाँ इट ही लगा सकते हैं, वह की अंग्रेजी ही नहीं लगा सकते हैं। और वैसे भी अगर देख लें रास्ते में, मैंने एक रास्ते में एक लड़का देखा, मैंने रास्ते में सड़क के किनारे एक लड़का देखा, वह रो रहा था, अब उसके पहनावे से नहीं लग रहा है कि लड़का है कि लड़की, ठीक है ना, उसका हम फिजिकल स्ट्रक्चर देखे हैं अपनी आंखों से, तो हम क्या करेंगे इट लगा देंगे। क्लियर? आइसा ए बेबी ऑन द रोड या इन्फेंट माने शिशु ऑन द रोड या ऑन द रोड साइड, इट वाज वीपिंग, वह क्या कर रहा था, रो रहा था, इस तरह की बातें होती। और कभी कभी मतलब पूर्ण व्यस्क के लिए भी किताब में बता दिया गया कि इट का प्रयोग होता है। कभी कभी जैसे हम पूर्ण व्यस्क रहते हैं तो उनके उनका भी इंट्रोडक्शन कराने के लिए इट लगा देते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ लगाते हैं। जैसे कोई भी मतलब किसी को कुछ बताना है, तो मतलब कोई आपसे पूछ लिया, वयस्क व्यक्ति भी मतलब आप कोई आपके दरवाजे पे आ गए, आप कहेंगे कौन है, तो वो कहेगा मैं हूँ। मैं हूँ का अंग्रेजी इट इज आई होता है, तो वहाँ मैं हूँ, मैं भले वयस्क हूँ बड़ा हूँ, लेकिन इट वहाँ भी लगता है। क्लियर? चलिए किताब में फटाफट एग्जाम्पल देख लेते हैं, 7 एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। पहला है, देखो यह एक कीमती किताब थी परंतु अब यह पुरानी, वो यह एक पुरानी और फटी हुई किताब है। लुक माने देखो, दिस वाज ए कॉस्टली बुक, यह एक किताब कीमती किताब थी, क्योंकि किताब आपके सामने है तो इसलिए दिस आप लगा रहे हैं। बट इट इज़ एन ओल्ड एंड टॉर्न बुक, लेकिन अब यह पुरानी और फटी किताब है, टॉर्न मींस फटी हुई। तो अब देखिए, एक बार बुक लिख दिया गया है ना, तो बुक के बदले प्रोनाउन इट लगेगा। क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यहाँ हुआ है, ठीक है ना, तो इट ही लगेगा। पिछले वर्ष मैंने एक गाय खरीदी, वह विदेशी नस्ल की थी। दूसरा वाक्य, लास्ट ईयर आई बॉट ए काउ, इट वाज ए फॉरेन ब्रीड, या विदेशी ब्रीड माने नस्ल की थी। अब यहाँ काउ के बदले में इट लगा, या विदेशी नस्ल मतलब गाय, तो पशु के लिए इट लग गया। तो प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन के रूप में हुआ है। आगे, सिंधवाद ने एक बड़ा पक्षी देखा, उसने सिंधवाद को अपने पंजों में उठा लिया। सिंधवाद सा ए लार्ज बर्ड, तो इट पिक्ड अप, इट माने वह उठा लिया, मतलब पक्षी ने उठा लिया किसको, सिंधवाद को, इन इट्स पाज, अपने पंजों में। इट के साथ अपना कहेंगे जी इट्स होता है, तो पक्षी के लिए यहाँ इट लगा है पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। आगे, फिर वह शेर गरजा और उसने मुझ पर हमला कर दिया। देन द लायन रोड, फिर वह शेर गरजा एंड इट अटैक्ड मी, और वह मुझ पर आक्रमण, वह मतलब शेर, तो शेर के लिए हम क्या प्रोनाउन लगाएंगे, इट लगाएंगे। पक्षी पशु के लिए बताएगा इट लगता है। हाँ, कहीं कहीं आपको ही सी भी मिल सकता है, कहीं कहीं बाई चांस अगर मिल जाए, तो ये जब समझना वो पालतू के सेंस में लिया जा रहा है, जब पालतू रहेगा तो उस वहाँ ही ऐसी कहीं कहीं हम लगा देते हैं, जैसे गाय, ठीक है, के लिए हम सी लगा देते हैं, गौ माता कहते हैं तो सी लगा देते हैं पालतू के सेंस में, ठीक है ना, तो इस तरह से कहीं कहीं लग जाता है, तो वो एक्सेप्शन है, पालतू के सेंस में लगता है, लेकिन आपको रूल कह रहा है पशु पक्षी के लिए इट ही लगेगा। क्लियर? आगे,
हाँ, मैंने एक बच्चे को सड़क के किनारे पड़ा हुआ देखा, हुआ जोर जोर से रो रहा था। आई सॉ एन इन्फेंट लाइंग ऑन द रोड साइड, लाइंग मैंने पड़ा हुआ ऑन द रोड साइड, मैंने सड़क के किनारे। इट वॉज वीपिंग बिटरली, वह जोर जोर से रो रहा था, वह बच्चा रो रहा था। तो बच्चे के लिए हम क्लियर नहीं है सड़क के किनारे को लड़की है कि लड़का, तो इट ही लगाएंगे। तो बच्चे के लिए आप इस तरह से इट लगा देना, ठीक है। आगे है, यह हमीद ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था, यह हमीद ही था, इट वॉज हमीद। हु हैड स्टोलन योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया था। अगर किसी बात पर जोर देने के लिए अगर बात करना है, बात पर जोर देने के लिए इट लगेगा, चाहे वयस्क व्यक्ति हो या कोई भी हो, ठीक ना। इट वॉज हमीद, यह हमीद ही था जिसने तुम्हारा पर्स चुराया, यह हमीद ही था। ही शब्द बताता है जोर दिया जा रहा बात पे। जिसी भी वाक्य में, जैसे गांधी जी ने ही देश आज़ाद कराया, मोदी जी ने ही नोट बंद कराया, क्लियर। तो इस तरह से ही आएगा, बात पे जोर दिया जा रहा, वहाँ इट लगेगा, यह अंग्रेजी। चलिए आगे, दरवाजे पर कौन है, मैं हूँ राकेश। तो हु इज देयर एट द डू एट द गेट, यहाँ गेट लगा दिया, गेट माने फाटक होता है, फाटक दरवाजा लगभग एक ही है, तो कहें कि दरवाजा गेट वाला भी होता है, इसलिए गेट भी लगा दिया गया, नहीं तो आप डोर भी कर सकते हैं, क्लियर। हु इज एट द गेट एट द डोर, आप करें किसी से, कौन है दरवाजे पर, कहेगा इट इज आई रमेश, मैं हूँ रमेश, अपना नाम बताएगा, उसका नाम यहाँ राकेश है किताब में, तो राकेश बता दिए, क्लियर। इस तरह से आप भी कोई अंग्रेजी में पूछे हु इज एट द डोर एट द गेट, तो बता सकते हो आप अंग्रेजी में, इट इज आई, अपना नाम बताओ, श्वेता, खुशबू, मोहन, सोहन, जो भी जिसका नाम है बता दो आराम से, क्लियर। तो इसकी एक्सरसाइज आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। आज आप लोग इसकी एक्सरसाइज नंबर 10 पूरा कर लीजिए, कल मैं इसको मिलवाऊंगा, तो आप लोग जो है मिला लेना, ठीक है, जिसको आज कर लीजिए ज़रूर आप लोग, कल इसको मिलवाएंगे। उसके बाद नेचुरल इट भी पढ़ाएंगे, नेचुरल इट मतलब इट का प्रयोग कर्ता के स्थान पर जहाँ होता है, जहाँ उसका अर्थ हुए, उसको भी पूरा कराएंगे, उसकी भी आप एक्सरसाइज कर लेना। चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास।